अभी जहां एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस फेमस कॉमेडी फिल्म के सीक्वल में राजकुमार राव निभाएंगे धर्मेंद्र पाजी का रोल। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक और सीक्वल फिल्मों का चलन सा चल गया है। ज्यादातर डायरेक्टर या तो बायोपिक बनाने में बिजी है या तो फिल्म के सीक्वल, मगर कुछ पुरानी फिल्म ऐसी है जिसके सीक्वल को हम खुद देखना चाहते हैं। इनमें से एक है साल 1975 में आई चुपके चुपके। खबर है कि इस एपिक कॉमेडी फिल्म का सीक्वल जल्द बनने वाली है। इस फिल्म में सबसे मजेदार कैरेक्टर धर्मेंद्र का किरदार राजकुमार राव निभाएंगे। हालांकि इस बात पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर खबर है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार राजकुमार ही निभाएंगे। ऐसा कलंक कौन लेना चाहेगा जो समाज की मर्यादा को लांघे। करण जौहर ने कलंक खुद क्यों नहीं डायरेक्ट की, अब समझ में आ रहा है। करण जौहर का कहना था कि यह उनके पिता का सपना है, लेकिन उसे पूरा करने का फर्ज तो बेटे का होता है, तो खुद नहीं पूरा करके दूसरों से कराया। चाहे समाज कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन यह संस्कारों पर टिका है। उसमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। करण जौहर की फिल्म कलंक आजादी और बंटवारे के इर्द गिर्द टिकी है और शादीशुदा हिंदू महिला और मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत और 34 घायल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर रविवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है और 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों की नजर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मैनपुरी जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर निजी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के अगले भाग के पर खच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही साथ मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।